प्रयोग किया तो ये लगा कि अम्बेडकर सर, हम बाबा साहब अम्बेडकर को हम क्यों पढ़ते हैं या क्यों सुनते हैं या क्यों जानते हैं, क्योंकि मुझे लगा मानवतावाद और उनमें बहुत गहरा संबंध है। मैं बहुत बहुत सरल तरीके से कह रहा हूँ, मुझे लगा कि इंसानियत का मतलब यही होता है। ठीक, दो साहब हैं, एक तो वर्तमान के साहब हैं जो सूट बदलते हैं और एक है बाबा साहब जो, और भ्रम ये है समाज में, उनको लगता है कि वर्तमान के जो साहब हैं वो संविधान के बाबा साहब को अपने अनुसार चला लेंगे, जबकि हकीकत इसके परे है। खैर, ये तो छोटी सी बात थी, मैं लेकिन एक चीज कहना चाहूँगा कि जो कुछ भी हम आप सभी लोग कर रहे हैं ये बहुत ही बेहतर आने वाले कल के लिए कर रहे हैं। हम निजी तौर पर कुछ लोगों को ऐसा जानते हैं, जैसे कि रमेश बंगी सर ने कहा कि वो अपने यहाँ अपनी मैम को दोस्त बुलाते हैं। पिछली बार प्रज्ञा मैम रमनिका फाउंडेशन में जब बोल रही थी उस समय उनके हस्बैंड राकेश सर ने अपना संबोधन दिया था कि मैं प्रज्ञा का दोस्त हूँ। तो ये बराबरी और सहभागिता का जो छोटा छोटा उदाहरण हमारे सामने मिलता है, रोजमर्रा की जिंदगी में मिलता है, वो काफी सराहनीय। कल परमानेंट अपॉइंटमेंट के लिए एक जगह आंदोलन था डीयू के, उसमें हंसराज सुमन सर भी आए थे, उन्होंने एक छोटी सी हमें बात बताई। वो बात ये थी जो कि बहुत लोगों ने सुना भी होगा कि जगह जगह पर जब एक टोली के लोग गए और उन्होंने बहुत सारे महान व्यक्तित्वों को, जो तथाकथित महान व्यक्तित्व भी उनके पास गए, गांधी के पास गए, नेहरू के पास गए और भी उस समय के वीर सावरकर और सभी लोगों के पास गए, बारी बारी से गए, तथाकथित महान व्यक्ति, और वो लोग सो रहे थे और फिर लास्ट में वो समूह जो है बाबा साहब अम्बेडकर के पास आता है जो कि उस समय जगे हुए थे। तो इस समूह के व्यक्तियों ने पूछा कि आखिर क्यों आप जगे हुए हैं, वो बोले उनका समाज जगा हुआ है इसलिए वे सो रहे हैं, हमारा समाज सोया हुआ है इसलिए मैं जागने की कोशिश कर रहा हूँ। तो छोटे छोटे जो उदाहरण हैं, इन्हीं चीजों से इन गहरे बातों को समझने की कोशिश करते हैं। मैं आठ पंक्तियों से कुछ एक बात कहना चाहता हूँ, आप लोग शैली पे न जाकर उस विचार को पकड़ने की कोशिश कीजिएगा, और 1947 से लेकर 1857 तक इसको जोड़ने की कोशिश कीजिएगा। एक बार हार गए तो क्या, हौसला है बाकी, अभी तो जानो शान बाकी है, अरे जीती है मुट्ठी पर जमीन, अभी तो सारा आसमान बाकी है। एक बार हार गए तो क्या, हौसला है बाकी, अभी तो जानो शान बाकी है, जीती है मुट्ठी पर जमीन, अभी तो सारा आसमान बाकी है। पानी के अंदर छुपी है तूफानी हलचल, अरे लहरों में भी उफान बाकी है, और गिरकर परिंदा संभलता है फिर से, और गिरकर परिंदा संभलता है फिर से, कि जख्मी है पर मेरे लेकिन अभी उड़ान बाकी है। तो अच्छी सोच को लेकर, विचार को लेकर, राजेश सर को भी हमने सुना, सभी सर लोगों को सुना, मैम को सुना, बहुत अच्छा लगा, रामदेव सर को सुना, सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ये एक दिन मेरे लिए बाकी के महीने के 29 दिन अपने छात्रों को ये विचार पास करने में बहुत मदद करता है। धन्यवाद।